everyone, welcome back to my channel Style with Pooja. I hope you all are doing really good and great. So guys, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ. आज की वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे अपने इसके हेयर्स की केयर कर सकते हो, बिकॉज नाउ डेज डैंड्रफ इज रियली अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मेनी ऑफ अ पीपल, मे बी बॉयज और गर्ल्स, डजंट मैटर. सो बॉयज, दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज एज वेल. सो ये मत सोचना कि वीडियो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज आप लोग भी देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो दोनों के लिए सेम ही इफेक्ट करने वाला है. सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने हेयर से डैंड्रफ रिमूव कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. So guys, dandruff is not about any disease or something which is really wrong with the person. It doesn't mean it, okay? Dandruff एक ऐसी चीज़ है, ये कोई बीमारी वगैरह नहीं है. ये एक normal सी skin में होने वाली कुछ एक normal सी problem है scalp में. जब आपका scalp dry हो जाता है, oil produce करना बंद कर देता है या बहुत dry हो जाता है, तो वो एक white flakes निकालता है अपने scalp से. That's it. जैसे आपके हैंड्स वगैरह जब ड्राई हो जाते हैं, तो आप जब उसको स्क्रैच करते हो तो वो व्हाइट कलर का एक लेयर जैसा दिखता है ना आपको विंटर के टाइम में, उसी प्रकार से डैंड्रफ भी होता है. जब आपका स्काल्प बहुत ड्राई हो जाता है तो वो आकर फ्लेक्स निकालना स्टार्ट कर देता है. इसके अलावा डैंड्रफ क्यों होता है, उसके बहुत सारे रीजन्स है, तो मैं आपको बताती हूँ कि उसके क्या क्या रीजन्स है. सो गाइस, रीजन नंबर वन, आप अपनी कोम्ब को कभी भी मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस क्लीन नहीं करते हो. सेम कोम्ब अभी आपके बाल ग्रीसी है तब आप उसको यूज कर रहे हो, एंड जब आप हेयर वॉश कर देते हो उसके बाद भी अगर आप सेम कोम्ब को यूज करते रहते हो कंटिन्यूसली विदाउट वॉशिंग योर कोम्ब, विदाउट क्लीनिंग योर कोम्ब, इट कॉजेज डैंड्रफ. एंड इससे क्या होता है, गंदगी जो बार बार चिपक जाती है आपके हेयर्स में, आप उसी कोम्ब को वापस यूज करते हो, तो उससे क्या होता है आपके बाल में डैंड्रफ पैदा होने लग जाते हैं. उसके अलावा डैंड्रफ के और भी बहुत सारे रीजन्स हैं. पहली रीजन तो ये है कि आप डाइट अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, आप ज्यादातर ऑयली फूड्स खाने लग गए हो, या अपने यानी फूड्स में आप न्यूट्रिशन ऐड नहीं करते हो, तो उसकी वजह से भी डैंड्रफ होने का चांसेस है. तो मेक श्योर कि आप अपने फूड में न्यूट्रिशन जरूर ऐड करें. और नेक्स्ट कारण है डैंड्रफ का, वो है आप प्रॉपर ऑयलिंग नहीं करते हो. आजकल फैशन में लोग इतने मरे जाते हैं कि मतलब दे प्रेफर कि ऑयल लगाना सब इज नॉट एट ऑल अ फैशन, दे लुक लाइक वेरी बैड, बहुत गंदे दिखने लग जाते हैं. ऐसा लोगों की मेंटालिटी हो गई है कि ऑयल लगाना मतलब गंदा दिखना. ऐसा नहीं है गाइस, ऑयल लगाना आपकी हेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वीक में कम से कम दो बार ऑयलिंग जरूर कीजिए अपने हेयर्स में, ताकि जो भी डैंड्रफ है वो पैदा ही ना हो. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ऑयलिंग करें. अगर आपको लगता है कि नॉर्मल ऑयलिंग से आपके हेयर्स बहुत ग्रीसी हो रहे हैं, बहुत ऑयली लग रहे हैं, बहुत गंदे लग रहे हैं, तो आप जा सकते हैं पैराशूट का एलोवेरा ऑयल, जो कि नॉन ग्रीसी है, ज्यादा ऑयल इफेक्ट नहीं देता अपने हेयर्स में, एंड गंदा भी नहीं लगता है. एंड क्यों आपको मतलब ऐसा हेयर्स में ऑयल लगाने से प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ ऑयल तभी लगाना है जब आपको हेयर वॉश करना है. उससे दो घंटे पहले आपको बस ऑयल लगा लेना है, बिकॉज आई डोंट फील और टेलिंग पीपल टू गो विथ ऑयल आउटसाइड, बिकॉज उससे आपका जो बाल है और डैमेज हो सकता है, पोल्यूशन बाल में चिपक सकते हैं, उसके कारण डैंड्रफ के साथ साथ हेयर लॉस की भी होने की चांसेस है. तो आप बस बाल धोने से दो घंटे पहले हेयर ऑयल लगाकर रख दीजिए. उसके अलावा आप हेयर ऑयल के अंदर लेमन स्क्वीज कर उसको हीट कर अगर आप प्रॉपर ऑयलिंग करते हो, तो इससे डैंड्रफ प्रिवेंट होने लग जाता है. उसके कारण इन फ्यूचर भी आपको कभी भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होने का चांस ही नहीं बनता है. एंड नेक्स्ट थिंग जो है, आप मास्क लगा सकते हो, कोई भी मास्क लगा सकते हो आप, जब भी आपको लगे. वीक में ट्वाइस आप मास्क लगा सकते हो, या वीक में वंस आप मास्क लगा सकते हो. मास्क का मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर से ही मास्क खरीद कर लगाना है, आप कर्ड यूज कर सकते हो. कर्ड इज अ नेचुरल मास्क विच एक्चुअली मेक्स योर हेयर रियली स्मूथ, शाइनी एंड सिल्की, एंड उसके साथ साथ ठंडक भी पहुंचाता है. और अभी तो समर सीजन स्टार्ट हो गया है, तो आपको ठंडक की भी जरूरत पड़ती है, तो आप एवरी वीक वंस वो कर्ड मास्क अप्लाई कर सकते हो आपके हेयर्स में. उसके अलावा नेक्स्ट जो थिंग है क्यों डैंड्रफ हो जाता है, उसका एक रीजन है कि आप प्रॉपरली हेयर बाथ नहीं करते हो. हेयर बाथ का मतलब ये नहीं है कि आप वीक में वंस करो, वीक में एटलीस्ट ट्वाइस आपको हेयर वॉश करना है. इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दिन हेयर में पानी डालते रहो, नहीं गाइस, वीक में सिर्फ ट्वाइस आपको हेयर वॉश करने की जरूरत है. ट्वाइस आप हेयर वॉश करोगे तो इससे भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी निकल जाएगी. इसके साथ साथ आप हेयर वॉश करने के साथ साथ अगर आप चाहिए तो आप एप्पल साइडर विनेगर का सीरम यूज कर सकते हो. आपको कभी भी अपने स्कार्प को ड्राई नहीं रखना है, ड्राई रखने से ज्यादा डैंड्रफ हो जाते हैं. एंड ड्राई रखने एंड हाँ गाइस, और एक जो मेन प्रॉब्लम है डैंड्रफ की वो ये है कि जब आपको मतलब थोड़ा सा भी इचिंग होने लग जाता है हेयर्स में, तो आप अपने नाखूनों से उसको ऐसे ऐसे करके मतलब उधेड़ देते हो. उससे क्या होता है, ये जो फ्लेक्स है अपना जो ये पार्ट है, हम उसको ऐसे नोचते हैं. नोचने से क्या होता है, ये बाहर आने लगता है, उससे भी डैंड्रफ पैदा होने लगते हैं. तो कभी भी जब भी आपको इचिंग लगे तो आप ऐसे ऐसे की बदलाव ऐसे ऐसे करोगे
तो ज्यादा बेटर होगा, इससे भी डैंड्रफ प्रिवेंट होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में दो सिंपल से स्टेप बताना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे को भी डैंड्रफ हो गया है रिसेंटली, बिकॉज मैंने अपने हेयर की केयर नहीं की थी ड्यू टू माई स्केड्यूल, एंड उसे मेरे को डैंड्रफ हो गया है। एंड मैं आपके साथ लाइव रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ कि ये दो चीज यूज करने से आपका डैंड्रफ धीरे धीरे खत्म हो जाने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बार में डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं होने वाला है कि एक ही बार में डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। डैंड्रफ खत्म होने के लिए आपको कम से कम 4 वीक्स यानी कि 1 मंथ का टाइम जरूर देना चाहिए ताकि आपका डैंड्रफ खत्म हो सके। एंड गाइस यहाँ पे मैं शैम्पू का डिटेल्स तो नहीं दे रही हूँ, बट मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप बायोटिक के नीम शैम्पू या हेना शैम्पू ले सकते हैं, विच इज रियली माइल्ड एनफ एंड एक्चुअली गुड फॉर योर डैंड्रफ पर्पस। उसका मैं अलग से रिव्यू दे दूंगी अपने चैनल में, तो आप उसको जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स यूज करने वाली हूँ मैं डैंड्रफ को। टू मेक अ हेयर पैक ऑल यू नीड इज कर्ड, नीम पाउडर, यू कैन यूज फ्रेश नीम लीव्स एज वेल and crush them into a mixer jar and make it as a paste. So I'm here using some 2 to 3 teaspoons of neem powder to make a thick paste, and I have used some 1 and a half curd, 1 and a half teaspoon of curd, depends upon on your hair length. Then here I have used Disprin. Disprin is also called as aspirin, which actually kills all the bacteria from your hair. Neem also helps you to clear all your bacteria which caused by this dandruff. So I have crushed 2 of the aspirins into the paste and just mixing all the ingredients together and make a thick paste, then apply it on the roots of the hair and then finally at the tip of the hair, if at all it is remaining balanced. So guys, I have actually washed my hairs with a henna shampoo from Biotic. Then now I'm going to make a spray. So for that I need 1 glass of apple cider vinegar and 1 glass of water. So mix both the ingredients together in a spray bottle, then spray it all over your roots and tips of your hairs. Use this remedy on a daily basis. You can
spray this on your daily basis, and for the pack you can use weekly once to remove all your dandruff. Use this remedy for at least 21 days to 1 month, and you will get a very nice result after using this on a daily basis to remove all your dandruff and all the hair problems which is caused. गाइस ये तो हो गया स्टेप्स कि आप कैसे अपने हेयर्स में डैंड्रफ प्रिवेंट करने के लिए ये सारे तरीके यूज कर सकते हो। आप चाहिए तो ये वाला जो मास्क है और ये वाला जो सीरम है आप इसको ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज कर सकते हो। ये मास्क आप एवरी वीक लगा सकते हो टू प्रिवेंट इन फ्यूचर कोई भी हेयर प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए आप ये मास्क लगा सकते हो। और ये जो सीरम है एप्पल साइडर विनेगर का सीरम आप आराम से इसको डेली बेसिस में यूज कर सकते हो अपने हेयर सीरम की तरह, एंड इसी को आप अपनी फेस टोनर की तरह भी यूज कर सकते हो बिकॉज इट वर्क्स रियली ग्रेट फॉर hairs and face as it is a antibacterial thing which actually prevents from acne and prevent from dandruff and everything. So you can definitely try out this. So guys, I hope this video is really useful for you, and if it is then make sure aap mere channel ko like, share aur subscribe kar lo, and choti si ghanti bhi bajana na bhule taki aapko mere aane wale notifications milte rahe. Meet you in my next video. Till that, take care, tata, bye guys.